वो बहुत क्लियर है, वो बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है मोहतरमा, कभी मस्जिद है। फिर चिल्लाने से थोड़ी काम चल जाएगा सर जी, आराम से बात कर रही हूँ, आराम से आपको जवाब दे रही हूँ। मुझे मेरी बात का आप जवाब दे दीजिए, क्या एक मैं बहुत शाइस्तगी से आपसे सुनना चाहता हूँ, मेरी शाइस्तगी से आप मेरी बात, मैं आता हूँ आपके पास, मैं शाइस्तगी से ही जवाब दे रही हूँ। गलत बोल रही थी, उसको सही करना, दुरुस्त करना मेरा फर्ज है, एज एंकर मुझे दुरुस्त करने का हक है, जहाँ आप गलत बोलेंगे वहाँ मुझे दुरुस्त करने का हक है। अब आप या तो उस बात को आगे बढ़ाएं या तो मैं दूसरे तारिक फतेह साहब, मुझे पता है, नहीं नहीं मेरे मेरे पास नहीं, आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरी मेहमान हैं, मैं आपकी आपने फैसले आप बोल लीजिए। मैंने आपको जो चार बातें कही, क्या कोर्ट ने नहीं कही वो बातें कि वहां पे मूर्तियां रखी गई, मस्जिद तोड़ी गई, वहां पे मंदिर तोड़ के कभी मस्जिद नहीं बनाया गया, ये सारी बातें क्या कोर्ट ने नहीं कही? मुझे हैरत है कि फिर शायद मैं या तो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूं किसी चीजों से, या फिर आपने शायद गौर से नहीं पढ़ा। तो मैं नहीं नहीं हो सकता आपको मेरे ऊपर शक हो, कोई बात नहीं, मैं इस बात को भी ले लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो सालों से रिपोर्टिंग करी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तारिक फतेह साहब नहीं कोई बात नहीं, अरे मोहतरमा मैं तो किसी बात का आपके आपकी किसी बात को उस पर नागवार गुजरने वाली बात ही नहीं है, लेकिन तारिक फतेह साहब मौजूद है और मैं वहां तक जाना चाहता हूँ। तारिक फतेह साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जवाब भी देना चाहते हैं, आप हाथ उठा रहे हैं, तारिक फतेह साहब जी। नहीं देखिए, मैंने भी डिसीशन पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का, क्लियर कट जो एविडेंस था आर्कियोलॉजिस्ट का, अल्लाह का शुक्र है कि वो मुसलमान था, क्योंकि मोहम्मद ने तो खुद कहा कि इसके नीचे जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं उसके अंदर देवर पिलर्स, और उस मस्जिद के नीचे एक टेंपल था। तो अब मैं ये मुझे ये लगता था कि ये बहस खत्म हो गई है, कि ये जिन लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम मान लेंगे। अच्छा, मैं मान लेता हूँ तारिक फतेह साहब, मैं तारिक फतेह साहब इस बहस को खत्म ही कर देता हूँ, मान ही लेता हूँ, ये तो हो गया, जो होना था वो हो गया, मंदिर तो बनना था, जो फैसले के बाद वो बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये मुझे बताइए, डर किस बात का इस मुल्क में कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, ये हिंदू राष्ट्र कहां से आ गई, किसकी जहन की कल्पना है ये, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या एक मंदिर बनने से क्या हिंदू राष्ट्र हो गया, तो ये मैं जानना चाहता हूँ किनको है, मैं तो उस पे फैसले पे जाता ही नहीं हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ किनके जहन में ये आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र, वैसे साहब कहते हैं हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ गई, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये हिंदू राष्ट्र बन भी गया और है भी, तो इससे क्या प्रॉब्लम है, ये हिंदू राष्ट्र था तभी तो मुसलमान यहाँ आए, अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता और कहीं और होता, चाइना होता या क्यूबा होता और या बोलीविया होता कहीं और, तो मार मार के ठीक कर देते लोग, ये तो हिंदू राष्ट्र था कि दुनिया की पहली मस्जिद चरमान में बनी, कि जो इमाम हुसैन की औलादें पनाह लेना चाहती थी वो राजा दाहिर के पास सिंध में आके बसी, ये हिंदू राष्ट्र ही था कि ज़ोरास्ट्रियन आके बंबई में उतरे जब अरबों ने उनकी ऐसी तैसी की और उनको वो जगह दी गई जहां हिंदू, उन्होंने कहा कि हमारे पूजा करने की जगह के पास कोई और ना हो, उन्होंने कहा ठीक है आप ये समुन्द्र के पास जगह ले लें, जब यहाँ टेम्पल यहूदियों का जो यानी पहली दफा जब जेरूसलम का टेम्पल गिराया गया तो यहूदी दुनिया भर में जब भागे तो एक ही दुनिया में जगह थी जहां उनके साथ ज्यादती नहीं हुई, वो हिंदू राष्ट्र था। अब मुझे ये नहीं समझ में आती कि जब हम सबके सब अपने नामों से मुसलमान, हिंदुस्तान, भारत, ये इंडिया, बांग्लादेश, ये सब एक ही है, भारत का नाम ही उन हिमालय की पहाड़ियों में जो हिस्सा है अपनी गोद में है उसको हम कहते हैं, तो जब हमको यहां 1000 साल हिंदुओं पे हुकूमत करने का मौका मिला या हमने की, या लुटेरे आए और लूट के चले गए, उन सब में हमें बाबर पसंद आया, यानी सबसे वैशी, सबसे लुटेरा आदमी, सबसे जिसने मुसलमानों को, जो पश्तून इलाके के मुसलमानों वहां बेड़ा गर्क कर दिया, उसने इतना हिंदुओं को नहीं मारा जितना उसने सूबा सरहद और पंजाब के मुसलमानों के साथ कत्ल गारत की,
और जो उसकी हरकतें ना वो पैदा हुआ इंसान ने और ना मरा, नफरत की हिंदुस्तान से और उसके नाम पे बाबरी मस्जिद पढ़ के पूरा हिंदुस्तान आपको देखिए वो मरे जा रहा है। अरे तुम चेरमान की मस्जिद में क्यों नहीं गए ये लोग, क्यों? प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम वाहिद हैं हिंदुस्तान के सदर जो गए, एक अपने शशि थरूर भी गए हैं वहां, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक सुल्तान, एक बादशाह, एक कोई राजा कभी गया? या आज बता दें ये AIPML के जो लोग हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, या जो ये वहां क्यों नहीं जाते जो दुनिया की पहली मस्जिद है? क्यों वहां उन्हें कुव्वत इस्लाम नहीं मिलता, उन्हें कुतुब मीनार नहीं मिलता कि फखर से वहां गाइड जो हैं वो बताते हैं कि अरे साहब 26 जैन टेम्पल्स को तोड़ के हमने बनाए ये, बताइए। तो जब एटीट्यूड ये हो, जनाब मैं आता हूँ आपके पास, असीम साहब से मैंने सवाल पूछा था, मैं असीम बकार साहब के पास लखनऊ, एक बात सुन लीजिए, छोड़ रहे हैं मेरी एक बात, सिर्फ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो मेरी एक बात सुन लीजिए, आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल फिर नहीं बोलूंगा। आप बिल्कुल कहिए, मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बात सुनने के लिए बैठा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगा मैं असीम बकार के पास। आपके बात एक बात कहना चाहती हूँ, ये होता है पहले आप कह लीजिए। तो तारिक में पहली बात तो ये कि तारिक फतेह साहब हैं कौन, मैं इन्हें नहीं जानती, ये मेरे मुल्क के नहीं है, मैं इनके सामने क्यों अपना दर्द या अपनी तकलीफ, आप दुनिया में पूरी बात सुन लीजिए ये वही लोग हैं जो बाबर की औलाद है, जो फूट डलवाने के लिए हिंदुस्तान आए थे, और ये उसी कुत्ते पाकिस्तान की औलाद है, उसी कुत्ते पाकिस्तान की औलाद है जो फूट डलवा रहा है हमारे हिंदुस्तान में, और ये भी उसी की औलाद है, और मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ये है कौन? मैं इनके सामने बात करना भी पसंद नहीं करती, है कौन ये? मैं इनके सामने इनको बुलाता कौन है? ये मेरे मुल्क के नहीं है, ये मेरी कौम के नहीं है, मैं अपनी अपने लोगों से बात करती हूँ, मैं गैर लोगों के सामने बात करना भी पसंद नहीं करती। चुप कर जाए ना, ये मैं बताऊं, ये वो लोग हैं जो फूट डलवाने आते हैं। चुप कर जाए, कुत्ता उत्ता आपने कह दिया, खत्म करिए, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगी। आराम से गुस्सा थूकिए, ये है कौन? गुस्सा थूकिए, इनको चुप कराइए, ये कहने वाले बीच में बैठ के हमारे यास्मीन भाग जाती हूँ, अरे यास्मीन भाग जाती हूँ, होते कौन है यास्मीन जी? अरे यास्मीन जी, यास्मीन जी मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए, क्यों पाकिस्तान भाग के गए थे? बराए मेहरबानी गुस्सा थूकिए और बहुत तसल्ली के साथ एक ग्लास पानी पीजिए, मैं आपके पास आता हूँ और लखनऊ की सरजमी चलता हूँ, जयपुर से लखनऊ के पास, वहां मैंने सवाल पहला पूछा था, मैं वहीं आता हूँ आराम से तसल्ली के साथ। जो शख्स दुनिया में आपको जानते हैं, वही शख्स तारिक फतेह साहब को दुनिया में लोग जानते हैं, उनका वही इकबाल है, इनका भी वही वकार है जो सारे जितना आपका है, और बुलाने वाले मैं हूँ, बुलाने वाले जिस तरह से आपको बुलाया वैसे इनको भी बुलाया, तो उस पर सवाल मत उठाइए, उस पर सवाल उठाने का आपको कोई अख्तियार नहीं है। मैं जो पाकिस्तान भागे थे, इनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान भागे थे हमारे हिंदुस्तान को छोड़ के, लीजिए अब आपके मन में भड़ास है तो कह लीजिए, मैंने नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, बहुत बहुत सभ्य और बहुत पढ़ी लिखी है, शक्ल से अरब लग रही है, आप अरब हैं क्या? फारूकी नाम आपने रखा हुआ, किसने दिया आपको ये नाम? मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी में सिर्फ ये जानती हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, यहीं पैदा हुई थी, यहीं मरूंगी, मेरा बाप भी यहीं मरा था, मेरा दादा भी यहीं मरा था, तुम्हारी तरह भाग के नहीं गया था पाकिस्तान। भाई नाम क्यों है आपका फारूकी कौन है? उमर फारूक। आप कौन? मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती, आप मेरे हिंदुस्तान के नहीं है, आप मेरे हिंदुस्तान के नहीं है, आप भगोड़े लोग हैं भाई, भगोड़े हिंदुस्तान होगा छोटा, हमारा है बड़ा, आपके हिंदुस्तान में मौजूदारों ने यही पैदा हुई थी, मैं यहीं मरूंगी, आप भगोड़े हैं, आप जहालत में डूबी हुई हैं, जाति नहीं करती, जाहिल आप हैं, आप जाहिल हैं।
दूसरों के कानून फटे पड़ाने आते हैं, आप फसादी हैं, आपसे आप हमारी पैनल की आप बहुत 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 खूबसूरत एक नगीना की तरह आप बैठी हैं, आप दिख रही एक नगीने की तरह, वैसे ही जैसे पाकिस्तान के और से ताल्लुक रखने वाले तारिक फतेह साहब एक बहुत बहुत नायाब हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं आप लखनऊ